हरे कृष्णा। ये सुना जो कथा सुना तो तुम थोड़ा सुना दे। आ जा आ जा। जितना सुना तुम थोड़ा थोड़ा सुना दो, जितना याद याद है। अच्छा बड़ा बड़ा आदमी, अरे मैं थोड़ी सी सुना। हरे कृष्ण हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य कीप्ता से कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंद नमस्ते चरणारविंदम। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे चय गोस्नारी करी चरण बंदन जाहित विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीलाल नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं चथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल एक दिन पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान ने आदेश देते हैं, बोले विष्णु और माया भगवती जया सन्मोहित जगत अधिष्ठा प्रभु नांसेन कार्यते संभविष्यति।
भगवान आदेश दिया, क्या आदेश दिया, बोले ये जो माया है हैं, ये माया दो तरह से काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान से विमुख होती है होता है, उसको ये दो शरीर दे करके संसार में जीवों को दुख कष्ट भोग कराती है, और ये टाटी पेशाब हाँ पायखाना इसी शरीर में मैं मेरा बुद्धि करा के ये संसार को उसको भ्रमण कराती है। लेकिन जब कोई जीव भगवान के चरण में उन्मुख होता है, तो भगवान के चरण में कोई जीव उन्मुख होता है, फिर यही फिर योग माया रूप धारण करते हुए फिर भगवान तक पहुंचा देती है। और भगवान के जितने सारे लीला हैं, जैसे दिखाई पड़ता है, जैसे मैया जसोदा जो मोहित तो होती है, बोले ये किसकी माया है, बोले कृष्ण की ये योग माया है। लेकिन कंस को द्वारा जिस माया को द्वारा मोहित करते हैं, कभी ये महामाया का काम है, है? एक तरफ में योग माया और कृष्ण को भी ये माया स्वयं मोहित करके कृष्ण जो भगवान हैं उनको भी ये माया भुला देती है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कृष्ण ने मिट्टी खाई, सखाओं ने शिकायत कर दिया, बोले मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। मैया ने क्या किया, बोले अभी तक मक्खन चोरी चोरी कर खाता था, क्या मेरे घर में मक्खन की कमी, दूसरे घर में ये अभी मिट्टी खाना शुरू कर दिया। सीधा आकर के मैया कृष्ण का कान पकड़ लिया, बोले क्यों रे चोर चोटे हैं, तू अभी मिट्टी खाना शुरू कर दिया, घर में मक्खन की कमी है। कृष्ण तो सीधा झूठ बोल दे, बोले मैया मैं नहीं मिट्टी खाई। बोले सखा लोग जो बोलते ये क्या झूठ बोलते हैं, तू एका सत्यवादी हरिश्चंद्र ये सब झूठे है। बोले हाँ मैया हैं, ये ऊपर में ये जो सखा लोग हैं ना, ये अपना घर से लड्डू कचौड़ी और मिठाई चोरी चोरी करके लाते हैं। बोले मैया तेरे को पता है मैं चोरी का चीज खाता ही नहीं। बोले मैया बोले अच्छे तरह से पता तू क्या करता नहीं करता है, हैं मेरे को अच्छे तरह से पता है, इसलिए और मैंने खाया नहीं तो उनको ये समझ गए ये तो जा करके हमारी मैया से चुगली कर देगी। अब मैं चुगली करने से पर मेरे नाम पर ही चुगली कर दिया हैं। बोले दाऊ भैया क्या बोलता है, बोले मैया ये दाऊ ऊपर में देखने में बड़े गोरो है लेकिन अंदर में बड़े कालो ही है, मैं तो ऊपर से काला हूँ लेकिन अंदर में बड़ा गोरो हूँ। इतने में कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैं मैया को बोल दूं अगर मिट्टी खाया तो मुंह से ही तो खाया, तो मुंह खोल कर देख ले, हो सकता है मैया को विश्वास हो जाएगी। जब बोले मैया तो मुंह खोल कर देख ले, इतने में मैया एक धमकी लगाई, तो एक धमकी से बोले मुंह खोल करके देख। जब एक धमकी लगाई, एक धमकी से ना कृष्ण डर गए और झट उनका मुंह खुल गया। जब मुंह खुल गया, लेकिन कृष्ण का मुंह में तो मिट्टी है ऑलरेडी, उसको मुंह में मिट्टी है, और मैया एक हाथ से कान पकड़ी एक हाथ में छड़ी है। मैया कृष्ण सोच रहे हैं मुंह में तो मिट्टी लगा हुआ, मैया अगर देख लेगा ना एक डंडा नीचे नहीं सब पीठ को भर गिरेगा। हाँ देखो ये जुग माया कैसे एक तरह से कैसे जीव को मोहित करती है और दूसरे तरफ में भगवान को मोहित करती है, और कृष्ण लीला को जो कराने वाली यही जोग माया है। यही जोग माया कैसे देखो कहते ये कहते प्रेमा वैसे प्रभु नाही कृष्ण अनुसंधान, ये इसको नोट कर दो। कहते प्रेमा वैसे प्रभु नाही कृष्णानुसंधान देहानुसंधान इच्छा जानी लीला शक्ति करा समाधान, समझ रहे हो। प्रेमा वैसे प्रभु नहीं देहानुसंधान, भगवान तो प्रेम में डूबे रहते हैं, लेकिन इनकी इच्छा जानी जोग माया करे समाधान। प्रभु की इच्छा जान करके ये जोग माया सारे काम करती है। कैसे कृष्ण क्या सोच रहे हैं, बोले मैया मेरे को मारे नहीं, केवल कृष्ण की इच्छा ही है। अभी कृष्ण की इच्छा देख करके जोग माया क्या करती है देखो, जब मारे नहीं जब कृष्ण की इच्छा है, इतने में जोग माया ने देखा मैया के हाथ में तो डंडा है, मुंह में तो मिट्टी थोड़ा बहुत तो लगा हुआ रहता है, अगर मुंह में मिट्टी देख लिया ना डंडा तो सीधा प्रभु को पड़ेगा, अगर मैं रहते रहते अगर मेरे प्रभु पीट गए फिर मेरे ऊपर दोष लग जाएगी। ये जोग माया रहते रहते जो प्रभु की सारे लीला को कराने वाली, मेरे प्रभु पीट गए ये दोष मेरे ऊपर आ जाएगी। इतने में जोग माया क्या करती है, इतनी से छोटे से मुंह तो इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा मुंह है, लेकिन अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड इतने बड़े मुंह में
कितने नदी, कितने पर्वत, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मा, शंकर, सारे विश्व ब्रह्मांड। फिर मैया क्या देख रही हैं? वो खुद को देख रही हैं। यहाँ पर आसन में भी इसलिए खुद क्या देख रही हैं? मैं कृष्ण की पेट के अंदर में, मैं स्वयं कृष्ण की पेट के अंदर मैं स्वयं, इसको देख करके ना मैया तो सोच रही, क्या सोच रही है, क्या सोच रही है, हो ना हो मेरे लाला तो भगवान ही, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड किसके मुंह में? ठाकुर जी के मुंह में, ठाकुर के मुंह में तो विश्व ब्रह्मांड पेट में। मैया सोच रही क्या मेरे लाला होना होते भगवान तो नहीं। जब इतना सोचने लग गई ना, फिर इतने में फिर जो इच्छा शक्ति उसने क्या किया जोग माया ने, बोले तो उल्टा हो गया, मैंने विराट रूप दिखा दिया, अभी क्या उल्टा हो गया, अभी मैया को ये लग रहा है हो ना हो मेरे लाला तो भगवान नहीं है। अगर मैया को पता चलेगा तो भगवान ये है, कृष्ण सोच रहे हैं। फिर मैया क्या करेगी? जैसे घर में नारायण शिला के लिए एक छोटा सा घर मैया ने बनाया है, और ठाकुर जी को थोड़ी बातासा नहीं तो मिठाई भोग लगा देती हैं, और घंटा हिला करके तुमैव माता च पिता, तुमैव तुमैव बंधु च सखा, तुमैव तुमैव विद्या द्रविण, तुमैव तुमैव सर्वम। मैया करके क्या करते, दरवाजा फिर बंद करते कृष्ण को छोटा सा मंदिर में, आप लोग करते कि नहीं ऐसे छोटा मंदिर में ठाकुर को बंद कर देता हूँ। मैया मेरे लिए भी ऐसे के छोटा सा मंदिर बनाएगा, क्योंकि अगर मेरे को पता चला मैं भगवान तो मेरे को भी बंद कर देंगे। फिर मैं जो सखाओं के साथ में इतना खेलता कूदता आनंद लेता हूँ, आनंद खत्म। कृष्ण ये सोच रहे, जब कृष्ण ये सोचने लग गए, फिर जोग माया इच्छा इच्छा शक्ति कैसे काम करती, ओ तो गड़बड़ी हो गई। फिर इच्छा शक्ति जोग माया ने सारे लीला को ये अंतर ध्यान कर देती है, इसलिए एक तरह से कृष्ण को भुला देती है ये भगवान है, और दूसरे तरह में प्रभु की सारे लीलाओं को ये जो पुष्टि करने वाले कौन है, कहते ये जोग माया। अगर ये जोग माया नहीं होगी ना, प्रभु का कुछ लीला ही नहीं हो सकती। इसलिए कहते एक तरफ से ये जीवों को भी मोहित करती है, और दूसरे तरफ में किसको मोहित करती है, भगवान को भी मोहित कर देती है। करके ठाकुर के जितने सारे लीला को कराने वाले कौन है, कहते ये जोग माया है। एक साथ में ये दो काम करती हैं, इसको कहते हैं वैष्णवी वेतनत माया पुत्र स्नेह मही विष्णु। कहते इनको वैष्णवी माया भी कहते हैं, इनका एक नाम ये वैष्णवी माया भी है। इसमें क्या करती है, कहते मैया यशोदा को जो मोहित, स्नेह को द्वारा जो मोहित करने वाली, यही ये मेरे लाला है। का नाम मेरे लाला है, वो भगवान लाला है ना, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन मैया के हृदय में जो भावना है ये मेरे लाला है, ये कौन ये कराती है, ये वैष्णवी माया है। ये माता को भी भुला करके इनके अंदर में स्नेह भाव को ले आती है, नहीं होगा तो प्रभु का लीला ही नहीं होगा, प्रभु का कोई लीला ही नहीं हो सकता है ये। इसलिए कहते यहाँ पर ब्रह्मा जी हाँ जो आकाशवाणी है, जो आकाशवाणी हुई हाँ, कहते यहाँ पर कहते उनको ये किया, अभी कह रहे हैं बोले मथुरा भगवान जत्र नित्य सन्निहितो हरि। कहते भगवान कहाँ निवास करते हैं, बोले मथुरा भगवान जत्र नित्य सन्निहित हरि। यहाँ दिखाई पड़ता ना कृष्ण कहाँ से आए, अपना गोलोक दिव्य धाम से ठाकुर जी मथुरा में आकर के प्रकट हुए। कहते नहीं, ये जो मथुरा धाम है ये भगवान का नित्य धाम है, भगवान नित्य मथुरा में, वृंदावन में, मथुरा में कृष्ण नित्य ही रहते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं ना वृंदावनम परित्यज्यम पाद एकम न गच्छामि, मैं तो वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाता हूँ, मैं तो नित्य वृंदावन में ही रहता हूँ। उसी तरह जो मथुरा जो धाम है ये भगवान का नित्य धाम, ये मथुरा धाम है, ठाकुर जी नित्य रहते हैं। फिर दिखाई पड़ता है कृष्ण जो देवकी और वसुदेव का कारागार में ठाकुर जी प्रकट हुए चतुर्भुज रूप लेकर के। हम कथा सुनते हैं ना, जब देवकी गर्भ में ठाकुर जी चतुर्भुज लेकर के पहले दर्शन देते हैं, फिर बालक बन जाते, फिर हम सब चीज देखते हैं, फिर क्या है ये सब चीज क्या है। कहते नहीं, ये जब दिखाई पड़ता है ठाकुर जी, दिखाई पड़ता था ऐसे आए, लेकिन तत्वतः ठाकुर जी नित्य ही मथुरा में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि धाम छोड़ करके अपना धाम नित्य है, हैं धाम नित्य है। कहते ना अध्यापियों से लीला करे गुरार आए, कोनो कोनो भाग्यवान देखिवार पाए।
अद्यापि वो सहिला करे कृष्ण राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बात। अभी भी कृष्ण वृंदावन में है, कृष्ण कहीं नहीं गए, कृष्ण कहीं नहीं गए। इसीलिए तभी तो जब श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगा रहे थे वृंदावन में, तो राधारानी का नुपुर मिला है ना, राधारानी का नुपुर मिला उनको झाड़ू लगाते लगाते। अगर राधारानी नहीं जाती तो नुपुर कहाँ से मिला? फिर राधारानी उनको दर्शन देती है। जब से सनातन गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास में आए, अभी रूप गोस्वामी का इच्छा बड़े भाई आए बड़े दिनों में, इनको तरह खीर इनको अच्छा लगती है, हम तरह खीर खिलाए। फिर क्या हुआ? राधारानी स्वयं आ गई, राधारानी स्वयं आकर खीर बना करके उनको खिला कर, खीर बना करके खिला करके जाती है, हैं? इसलिए जैसे श्री सनातन गोस्वामी आए, ठाकुर जी मदन मोहन इनको साथ में साक्षात बात करते हैं, बोले बगैर नमक के देते हो हैं, गला को नीचे उतरता नहीं, अरे सब्जी फब्जी तो देता नहीं, थोड़ा नमक दे दिया करो। ठाकुर जी क्या बोले? बोले आज बोले नमक, कल बोले थोड़ा दूध लाओ, फिर बोले राबड़ी लाओ, रसमलाई लाओ। यार कहाँ से लाएंगे, हम तो भीख मांग करके खाने वाले व्यक्ति, तेरे बाबा का तो 9 लाख गैया था तभी तेरा पेट भरा नहीं, तू घर घर में चोरी चोरी करके खाता था, मैं कहाँ से लाऊं? ठाकुर जी बात करते हैं भक्तों के साथ में साक्षात रूप में, पर ठाकुर नहीं होते थे बात कैसे करते। बोले अभी भी ठाकुर जी वृंदावन में नित्य, मथुरा में अभी भी कृष्ण नित्य विद्यमान है, है? ये इनकी दिव्य लीला है ठाकुर जी की, कहते ठाकुर का ये नित्य लीला है ठाकुर जी की, इसलिए अभी भी ये मथुरा में भी भगवान अभी नित्य निवास कर रहे हैं। बोले जिस समय कंस ने अपना बहिन है देवकी को साथ में वसुदेव का उन्होंने शादी करवाया, जब शादी करवाए शादी में उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने दहेज रूप में दिया। बोले उन्होंने दहेज रूप में क्या क्या दिया है? बोले उन्होंने 400 उन्होंने हाथी दिए और 10,000 उन्होंने अश्व प्रदान किया, 18-17 रथ उन्होंने प्रदान किया और 200 एकदम नई नई दासी जिनकी संपूर्ण शरीर में सोने की श्रृंगार हो, 200 एकदम नवजवान उन्होंने दासियों को उन्हें प्रदान करके, चूंकि कंस अपना बहिनी को बहुत प्रेम करता था इसलिए स्वयं बले में सारथी बन करके इनको मैं स्वयं विदा दूंगा। जिस समय कंस स्वयं विदा दे रहा था, इतने में जो बीच में हुए बले पति प्रणहित कंसा माभ्याम अशरीर बाग अष्टम अष्टम गर्भो हंताम जाम बहते अभूत, इतने में बीच में आकाशवाणी, हे अभूत मतलब हे मूर्ख, तुम जिस देवकी को इतने आनंद पूर्वक गाजे बाजा को साथ में तुम विदाई दे रहे हो, क्या होगा इसका जो अष्टम गर्भ का जो संतान तेरा काल बनकर के जन्म लेगा, है तेरा काल बनकर के जन्म लेगा। जब उसने इतना बात को सुना, सुनते ही हैं कहते इतना बात को सुनते ही कंस को तो बड़ा क्रोध आया, इसलिए बोले न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इतने में कंस ने अपना म्यान से तलवार निकाली और देवक का चोटी पकड़ कर म्यान लेकर के मारने के लिए जा रहा था। जब मारने के लिए जा रहा था तो यहाँ पर कह रहे हैं आकाशवाणी कैसे क्यों हुआ, ये रास्ता के बीच में आकाशवाणी की हुई, इसका क्या रहस्य किया है? बोले इसका रहस्य है, अभी इसका रहस्य को बता रहे हैं, कहते अभी ये कंस बहुत प्रेम करता था देवकी को। देवकी कौन है? कृष्ण का माँ, कृष्ण की माँ देवकी। अगर कंस अगर उसको इतना प्रेम करता है, आप बताओ माँ कृष्ण की अगर कंस इतना प्यार करता है, फिर कृष्ण कभी उसको मार सकते हैं क्या? कंस कभी मार सकते हैं उसको? मार नहीं, कृष्ण कभी उसको मार सकते हैं? जो कि जिनको माँ को इतने प्रेम करते हैं, कंस इतने प्यार करते हैं, कभी कृष्ण उसको मार ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये जान बूझ करके देवता ने क्या किया, भले इनके माँ के प्रति जब अत्याचार होगा, भगवान कब आते हैं? जब भक्तों के ऊपर जदा देवेशु जदा वेदेशु कोसु विद्वसि तदा आसु विनिशति, भगवान कहते हैं तब ये पृथ्वी को मैं ध्वंस करता हूँ जब वेद के ऊपर में, पृथ्वी के ऊपर में, गैया के ऊपर में, संतों के ऊपर में, स्त्रियों के ऊपर में अत्याचार होता है, बोले सबे आसु विनिशति,
तभी मैं समुद्र में ध्वंस करता हूँ। इसलिए कृष्ण देखा अगर ये कंस मेरी माँ को प्रति द्वेष करेगा, ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, अत्याचार करेगा, भगवान खुद कहते ना, तब मैं जगत में प्रकट होकर दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। इसलिए यहाँ पर देवताओं ने क्या किया, उनकी माँ के प्रति कंस का विद्वेष हो, विद्वेष होने पर इतने अत्याचार करे जिसे अत्याचार से मुक्त करने के लिए भगवान कृष्ण जगत में प्रकट हो। इसलिए ये देवताओं ने आकाशवाणी उन्होंने ऐसे किया और आकाशवाणी किया तो कंस ने मयान तलवार उठा लिया, उठा करके उन्होंने देवकी को मारने के लिए जा रहा था। इतने में वसुदेव ने कहा भैया बड़ा गड़बड़ी हो रहा है, ये तो मार डालेगा देवकी को। लेकिन वसुदेव का एक नाम है आनक दुंदुभी, क्या नाम है आनक दुंदुभी। कहते आनक दुंदुभी मतलब क्या है, बोले जिस समय ये वसुदेव महाराज ने जन्म लिया उसी समय में स्वर्ग में देवता को नगड़ा बजवाए और उन्होंने उन्होंने नागड़ा बजाया और वसुदेव महाराज जय दिए, बोले श्री वसुदेव महाराज की जय। इसलिए आकाश में देवता नागड़ा बजाए थे, बाजा बजाए थे, इसी का नाम आनक दुंदुभी। इसलिए इनके अंदर में अथाह पराक्रम है और इनके अंदर में बड़ा शक्ति इनके अंदर में। इसलिए अभी वसुदेव महाराज सोच रहे हैं ये जो आकाशवाणी हुई ना, ये देवता लोग ने किया है, ये वाणी कभी छूटी नहीं होगा, ये सत्यवाणी है। जब सत्यवाणी है मेरा कर्तव्य है किसी तरह से ये देवकी का प्राण को हमें रक्षा करनी चाहिए, किसी तरह साम दाम दंड वेदनित से वो कोशिश करने लग गया, उसको कंस को उसने समझाने के लिए उन्होंने कोशिश करने लग गया। अभी यहाँ पर प्रश्न होता है तो ये क्यों समझाने के लिए कोशिश किया कंस को, कारण क्या, बोले कारण है कि ये आनक दुंदुभी है, ये कोई साधारण व्यक्ति है नहीं है, जो महान पुरुष होते हैं, जो महत व्यक्ति होते हैं, इनका जो वाक्य जरूर कुछ प्रभाव डालता है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं ना, कहते हैं ना हम किसी बड़े साधु के पास में जाते हैं, पिता माता जाते हैं ना, बोले बाबा थोड़ी सी मेरे बच्चे को समझा दो, बोले आप समझा, बोले हमारी बात नहीं सुनता, अगर आप समझाओगे ना फिर ये बात सुनेगा, इसलिए बाबा इसको थोड़ा समझाओ। जैसे हमारे पास में कभी कभी आते ना बाता है, बेटा बात नहीं सुनता है, बाबा थोड़ा उसको समझाओ, ये थोड़ी समझ जाए। इसलिए चूंकि ये आनंद दुंदुभी ये बहुत बड़े संत हैं, संत जब कोई बात करते हैं ना, साधारण लोग का तो प्रभाव, लेकिन संत जब कोई बात करते हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए वसुदेव ने कोशिश किया समझाने के लिए कोशिश किया, लेकिन जब समझाने के लिए क्या उसने बताए, बोले मृत्यु जन्म बताम वीर देह देह न सह जायते अद्यवा अब्द सतांतेवा प्राणी वही मृत्यु नाम ध्रुव। उन्होंने समझाए, बोले देखो कंस मृत्यु जन्म बताम वीर देह सह न जायते, जब ये शरीर मिला है कभी इसको साथ साथ मृत्यु भी लिखा हुआ है, हैं? जैसे उदाहरण दिया आप एक जो को देखे होंगे कीड़ा है, देखना आप जब चलता है ऐसे ऐसे चलता है, अब देखे होंगे जब वो चलता है पहले आगा जो आगे जो पैर को जमा देता है, फिर पीछे पैर को वो छोड़ता है, फिर आगे पैर को जमा करके फिर पीछे पैर को वो छोड़ता उठाता है, हाँ मोड़ मोड़ कर चलता है, देखना जो कहता है। कहते उसी तरह कभी जो जीव है, हैं? कभी जो जीव है जब वो शरीर छोड़ता है पर इसका मृत्यु लग जाती है, बोले इसलिए बोले देखो जन्म होने का साथ साथ प्राणी का मृत्यु भी लिखी जाती है, इसलिए अद्य अब्द सतांत बोले आज हो नहीं तो 100 साल के बाद में हो सबको मरना पड़ेगा, कोई नहीं बोल सकते हैं मैं अजर अमर में बना रहूंगा, कोई इस जगत में अभी तो कोई अमरत्व को प्राप्त नहीं किया है, सबको मरना पड़ेगा, जो एक दिन मरोगे नहीं, बोले मरूंगा, बोले तू जो मरोगे फिर अपना बहन को मार करके सारा दुनिया में तुम्हारी कलंक होगा, लोग क्या बोलेंगे अपना बहन का हत्यारा है, और ऐसे जो निंदनीय जो जीवन है ये जीवन रहना नहीं रहना बराबर है। पर उनने समझाने के लिए कोशिश किया, जैसे अब देखना जैसे पानी जैसे तालाब है, तालाब का किनारा में देखना पेड़ होता है, पेड़ का परछाई पड़ता है पानी के ऊपर, जब परछाई पड़ता है जैसे पानी हिलता है ना, जैसे पानी हिलता है देखना पेड़ का परछाई भी हिलना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे पानी हिलने पर परछाई हिलता है क्या पेड़ हिलता है क्या,
पेड़ नहीं हिलता है, पेड़ जैसे को तैसे है, लेकिन पानी हिलने पर लगता है जैसे जैसे पेड़ जैसे हिल रहा है, उसके अंदर में जैसे पेड़ हिल रहा है। कहते ठीक उसी तरह ये जो शरीर है ये केवल ये शरीर ही ये छोड़ता है, लेकिन ये जो आत्मा है ना, न जायते न मृयते, और जो नित्य शाश्वत ये आत्मा, छह विकार से ये ऊपर ये आत्मा है, इसका जन्म नहीं, इसका मृत्यु नहीं है, न जायते न मृयते, अजो ये है जिसका जन्म नहीं न जायते न मृत, अजो नित्य शाश्वत न हन्यते हन्यमान शरीरे, इसको कोई काट नहीं सकते हैं। इसलिए नैनम चिंतन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न चाय न क्लेदंत न सोचति मारुत, इसको अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, अस्त्र से उसको काट नहीं सकते, पानी में भिगता नहीं, और वायु को द्वारा ही सूखने वाले ये आत्मा नहीं। फिर ये आत्मा कौन है? कहते बादशाह जिन्नानी यथाभिया, जैसे एक पुराना वस्त्र होने पर मैं हम उसको छोड़ करके जैसे एक नया कपड़ा धारण करते हैं, ठीक उसी तरह शरीर जब पुराना हो जाता है ये आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता है, हैं? उसी तरह ये आत्मा, उन्होंने बहुत कोशिश किया समझाने के लिए, बहुत साम दाम दंड वेदने बहुत सुन, लेकिन तब भी ये कष्ट नहीं सुना। बोले नहीं मैं मार करके रहूंगा, मैं तो मारूंगा इसको। तब यह कह रहे हैं वसुदेव महाराज इतने अच्छे तरह से समझाए फिर सुनाने की कारण किया। बोले कारण है कंस का जो संगत था ना, नरक हादर, जो इंसान को जो खाने वाले, ये राक्षस का संग उसको था। राक्षस का संग होने का नाते, दुष्ट संग होने का नाते वसुदेव महाराज जितने कोशिश किया उसको बुद्धि में ये चीज किसी तरह से बैठा नहीं, किसी तरह से बैठा नहीं। जब किसी तरह से नहीं बैठा, वसुदेव महाराज सोच रहे हैं कारण किया। बोले संगत भैया, जैसे संगत में बैठोगे ना रंग धीरे 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 ऐसे ठीक, चोर को साथ में बैठोगे चोर बन जाओगे, जुआरी को साथ में बैठोगे जुआरी बन जाओगे, हैं? गंजड़ी को साथ में गंजड़ी बन जाओगे, फिर भंगड़ी को साथ में भंगड़ी बन जाओगे, फिर शराबी को साथ में बैठोगे तो धीरे 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 उसका रंग धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर में आना शुरू कर देगा, क्योंकि संगत तुम्हारी। इसलिए इसलिए हर शास्त्र में हाँ कहते मामा उत्तम श्लोक है जनेशु सख्य। इसलिए श्री चित्रकेतु महाराज अघा के कौन हाँ कहते श्री बित्रासुर कह रहे, बोले प्रभु एक ही कृपा करो, मामा उत्तम श्लोक है जनेशु सख्य, हमारी जो सख्यता है ना किसको साथ में हो, हमारे भक्तों को साथ में सख्य हो। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं भैया, उल्टा पुल्टा साथ में उठा बैठा मत करो, उल्टा पुल्टा साथ में मत बैठा करो, जिसको साथ में बैठोगे धीरे धीरे बैठ जाओगी। कहते अगर हमारी सख्य हो किसको साथ में, हमारी प्रीति हो किसको साथ में, बोले भक्तों के साथ, भक्तों के साथ में रहो, क्योंकि भक्तों के साथ जैसे हमारा मंदिर है, यहाँ पर कितना बजे आरती होता है, जैसे पाँच बजे करके करके 15 मिनट में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ठाकुर मंगल आरती कीर्तन करना शुरू कर दे, संसार दावा नड़ा लीड लोको, फिर प्रभुपाद आरती होता है। लेकिन जब मंदिर में रहते सब भक्त उठते हैं ना, एक को देख कर दूसरे उठ जाते हैं, दूसरे को तीसरे उठ जाते हैं। अगर कोई साधारण घर में रहता कोई सवेरे उठेगा, उसमें विशेषकर ठंडी का समय पर रजाई ओढ़ करके सो रहे हैं, हाँ उस समय तो सबसे ज्यादा कष्ट लगता है रजाई को छोड़ना, और देखना सवेरे ज्यादा सबसे ज्यादा नींद आती है सवेरे, हैं? इसलिए कुछ कुछ माताएं मंगल आरती में आती है, कौन कौन आरती आती है मंगल आरती में, हाथ उठाओ तो मंगल आरती में हाथ उठाओ, कौन तो बहुत सारे आए थे, आप लोगों का धन्यवाद है, आप लोगों का धन्यवाद है जो आप लोग मंगल आरती में आते हो। इसलिए गुरु जी कहते थे इसका नाम मंगल आरती। मंगल आरती क्या है, जिस आरती दर्शन करने पर जरूर तुम्हारे जीवन में मंगल होगा, क्योंकि जब सबेरे ठाकुर जी का पट खोलता है ना, सामने जो खड़े हुए होते हैं उनको ऊपर में ठाकुर का डायरेक्ट नजर पड़ता है। इसलिए कहते हैं शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत तेरे प्रति, जागो के हृदय मंगल आरती, ठाकुर जी अब हमारे ऊपर में शुभ दृष्टि करो, जैसे हमारे हृदय में आपका प्रति प्रेम जगे भक्ति जगे। इसलिए इसलिए यहाँ पर कहते संगत, संगत मूल है संगत, इसलिए कहते ये नर खादक राक्षस का संगत था, इसलिए उसको समझाने पर भी उसने नहीं समझा।
जब किसी तरह से नहीं समझा, अभी वसुदेव महाराज सोच रहे अभी क्या करनी चाहिए, इसको तो इतना मैंने समझा दिया, तभी ये समझ नहीं करो क्या करे क्या करे। फिर वसुदेव महाराज लास्ट उन्होंने बस अस्त्र प्रयोग किया। तेरा जो डर किससे, बच्चों से डर ना देवकी से डर है? बोले बच्चों से डर है। बोले तब बच्चों से डर है फिर अपने बहन को क्यों मारोगे? तेरे को पता है मैं सत्यवादी हूं, उसको पता था ये कभी झूठ नहीं बोलता वसुदेव महाराज, सब सच बोलता है। तेरे को पता मैं कभी झूठ कभी बोलता नहीं, बल्कि बात मेरे को पता है। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे जितने सारे संतान हो गए ना, सारे संतान को तेरे को मैं दे दूंगा, सारे संतान दे दूंगा, तो सारे बच्चों को मार डालना, लेकिन देवकी को मत मारो। जब उन्होंने ये बात बताया ना, उसको दिमाग लगा ये बात सही लग रहा है, जब सारे बच्चों को दे देगा, झूठ तो बोलता नहीं, और फिर तो काम हो जाएगा। बोले कोई चिंता मत करो, सारे बच्चे तुम्हें मैं दे दूंगा। जब उन्होंने ये बात को बताए तो उसको दिमाग में बैठ गया। अभी प्रश्न होता है भैया, उन्होंने आकाशवाणी किया हुआ था तेरा जो अष्टम गर्भ का संतान काल बनेगा, फिर इसने क्यों बोला सारे बच्चों को दे दूंगा? अभी गृहस्थ है ना, गृहस्थ है, संतान जरूरत है इसकी, जब संतान की जरूरत है तब बोल देता ना अष्टम गर्भ का बच्चा दे दूंगा। उसने क्या बोल दिया, जितने सारे बच्चे होंगे सारे बच्चे को मैं तेरे को दे दूंगा। फिर सारे बच्चे को देने के लिए क्यों बताए? वो बोल देता है एक बेटा जो मरने वाले, फिर इसको ही मैं दे दूंगा, सारे बच्चों को देने के लिए क्यों बताए? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण कुछ बता रहे हैं, उसमें पीछे चार कारण उन्होंने बताए, विश्वनाथ चतुर्थक चार कारण बताते, ये चार कारण को लिख लो। अभी वसुदेव महाराज सोच रहे हैं अगर आकाशवाणी में ना अष्टम गर्भ का संतान, हो सकता है मेरा कोई संतान ही नहीं हो, अगर संतान ही नहीं हुआ फिर मारेगा कैसे? पहला कारण ये, अगर मेरे संतान नहीं हुए फिर ये कहां से मारेगा मेरे बच्चों को, संतान ही नहीं हुआ, ये पहला कारण है वसुदेव महाराज मन में सोच रहे। दूसरा कारण बताए, अगर ऐसे हो सकता है मेरे बहुत सारे संतान हो गए, बहुत सारे जब संतान होएंगे, एक एक बच्चा तो बड़े बड़े होएंगे ना धीरे धीरे, हो सकता है मेरा ही बच्चे ही बलवान होकर उसको मार दे, क्योंकि जो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी तो देवता का वाणी की, तो कभी झूठा हो ही नहीं सकता, सच सच बात है, हैं? अष्टम गर्भ का संतान मारेगा, लेकिन ये तो जोर जबरदस्ती मारने के लिए तो कोशिश कर रहा है। ऐसे हो सकता है मेरे बहुत सारे संतान हुए और यही बलवान हो गए, और बलवान होकर के उसको ही उल्टा ही मार डाले, ये भी हो सकता है। तीसरा कारण कह रहे हैं, ऐसे हो सकता है हमारे बच्चे जन्म होने से पहले, कौन जानता है मृत्यु कब होगा? प्रहलाद महाराज गए ना, तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड किया है कितने दिन जिंदा रहोगे, तो कोई बोल सकता है? कोई नहीं। ऐसे हो सकता है मेरे बच्चे होने से पहले ही मर जाए, फिर गला गया खत्म हो गया, बच्चे होने से पहले तो मर सकता है, ये एक कारण बताए। कहते और ऐसे हो सकता है उसका है, कहते बहुत सारे बच्चे हुए, हो सकता है इसका बुद्धि आकाशवाणी है तो झूठा नहीं होगा, इसका बुद्धि भी कभी बदल सकती है इसकी बुद्धि, इसलिए विश्वनाथ चतुर्थक यहाँ पर चार कारण बताए हैं, उन्होंने क्यों ये सब बात को बताए। अभी यहाँ पर कह रहे हैं जब उन्होंने सब बात को बताए, अभी इसका दिमाग में ये चीज बैठ गया, बोले ठीक है जब ये सब बात को बता रहे हैं इसलिए ये सच होगा। तब यहाँ पर कह रहे हैं हाँ, जो इतने में यहाँ पर एक बहुत बढ़िया श्लोक बताए, देखो ये श्लोक का यहाँ पर वसुदेव महाराज ने क्या बताए, देखो श्लोक में कहते हैं, ना ही अस्यास्ते भय सम्मा जदै महा शरीर बात पुत्रान समर्पय समीपय से अस्या जतस्ते भय मुथितम। देखो इस श्लोक को सुना अच्छे तरह से, कहते यहाँ पर कह रहे हैं, कहते ना ही अस्यास्ते भयम, कहते तुम्हारी ये देवकी से भय नहीं, भय किसी से है बट भय है अष्टम गर्भ का संतान से तरह भय है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं पुत्रम समर पयसी, मैं सारे पुत्र को तेरे को दे दूंगा। बोले जतस्ते भय मुथितम, हाँ जिससे तुम्हारी भय है वो बच्चे को मैं तुमको दे दूंगा। एक अर्थ देखो और एक अर्थ होता है, देखो इसने कैसे कैसे ये श्लोक में किसी दो तरह का अर्थ, कोई बोलेगा वसुदेव महाराज इतने बड़े साधु है तो उन्होंने झूठ कैसे बोल दिए, जे अष्टम गर्भ का संतान दे दूंगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, दिया बच्चे को,
उन्होंने बच्चों को दिया, कोई झूठ नहीं बोलते, लेकिन बच्चों को क्या किया, उन्होंने 6 बच्चों को तो दे दिया, सप्तम गर्भ में तो बलदेव प्रभु आए, और उन्होंने अष्टम गर्भ को क्या किया, लेकर के उन्होंने कहां छोड़ कर आए, गोकुल में। बोले कि उन्होंने झूठ कैसे बोल दिया, भगवान के इतने बड़े भक्त होकर उन्होंने झूठ कैसे बोल दिया। कहते भक्त लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। देखो ये श्लोक में जतस्ते है भयम उथितम, एक अर्थ हो जिससे तेरे भय उसको दे दूंगा, लेकिन दूसरा अर्थ जतस्ते अभय उथितम, बोले देखो जिस बच्चे से तेरा अभय है ना वो बच्चा तो दे दूंगा, लेकिन जिस बच्चे तुम्हारा भय है वो बच्चा को मैं नहीं दूंगा। अभय किससे, जो 6 बच्चों को मार डाले उसको तो दे दिया, लेकिन जिससे भय था अष्टम गर्भ संतान, उन्होंने क्या किया, वो बच्चे को लेकर के गोकुल में छोड़ करके आए। देखो ये एक अच्छी, और एक अच्छी बात सुनो, कहते श्री दशरथ महाराज से कहते श्री वसुदेव महाराज को श्रेष्ठ मानी जाती है। दशरथ महाराज से, दशरथ महाराज भी तो राम का पिता हुए ना, लेकिन वसुदेव भी कृष्ण का पुत्र हुए। कहते दशरथ महाराज का जो प्रीति राम का प्रति, उससे भी ज्यादा प्रीति किसकी, ये वसुदेव महाराज का कृष्ण को प्रति। कैसे देखो, तब उन्होंने कैकेयी को, कैकेयी को उन्होंने 2 वरदान बोले थे दूंगा, कौन बोले थे, दशरथ महाराज, 2 वरदान दूंगा। उन्होंने 2 वर क्या मांगे, पहला वर में मेरा बेटा भरत राज गति में बैठेगा। दशरथ महाराज मान लिया कोई बात नहीं, राम नहीं होकर भरत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरा वर मांगा, क्या दूसरा वर मांगा, 14 साल के लिए राम को वनवास देना पड़ेगा। जब उसने ये वर को मांगे ना, जैसे दशरथ महाराज के सर में वज्रपात हुआ, वज्र जैसे उनके ऊपर में गिरा। कहते रघु कुल रीति सदा चली आई, हर प्राण जाए बरु वचन ना जाए। इसलिए रघुकुल में क्या रीति है, भले प्राण चले जाए लेकिन कभी वचन को कभी नहीं छोड़ते, वचन को अपना वचन को रखा करते हैं। इसलिए उन्होंने अपना वचन को रखा करने के लिए उन्होंने क्या किया, भगवान राम को 14 साल के लिए उन्होंने वनवास भेज दिए भगवान को। लेकिन यहाँ पर श्री वसुदेव महाराज, उन्होंने क्या बताया था, मैं अष्टम गर्भ का संतान तेरे को मैं प्रदान करूंगा, लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा के लिए, भले मेरी प्रतिज्ञा बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज ये भगवान है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना बेटे को उन्होंने छुपा करके राता रात कहां पर रख करके आ गए, गोकुल में रख करके आ गए, गोकुल में रख करके आए। क्यों, उन्होंने अपना प्रतिज्ञा को बड़ा बात तो नहीं समझा, क्या बड़ी चीज समझी, भगवान की सेवा। इसलिए शास्त्र में कहते हैं मत निमित्तम कृतम पाप अभी धर्माय कल्पते, अगर मेरे लिए अगर कोई पाप कर्म करता है ना वो पाप भी धर्म कहलाता है। लेकिन मत मत अनादरितम, मेरे को अनादर करके अगर सच भी कोई बोलता है वो पाप है, वो भी पाप है, देखने पर सच है वो पाप है, लेकिन अगर मेरे को निमित्त करे कोई अगर पाप कर्म करता है ना वो धर्म कहलाते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने एक सुंदर स्टोरी सुनाया, अब ध्यान देकर स्टोरी को सुनो। पहले एक समय क्या हुआ, जो दक्षिण में ना जो रंग जी का मंदिर था, एकदम रंग जी का मंदिर एकदम टूटा फूटा हुआ था, ठाकुर जी नारायण एकदम टूटे फूटे हुए मंदिर में रहते थे। एक संत हुए हैं, जब उन्होंने ये चीज को देखा, बोले कहाँ नारायण कौन है, लक्ष्मी की पति नारायण है ना, लक्ष्मीपति तो नारायण, कहाँ लक्ष्मीपति और कहाँ पर रह रहे हैं, टूटे फूटे हुए घर में रह रहे हैं। इसलिए बोले भैया पैसा तो देने वाले ठाकुर है, वो एक बहुत बड़े राजा के पास में गए, बड़े जमींदार सेठ था, जमींदार के पास में गए, बोले देखो लक्ष्मीपति, लक्ष्मी तो देने वाले, लक्ष्मी देने वाले कौन, लक्ष्मी है ना, और उनका पति नारायण है, और देखो नारायण का मंदिर देखो टूटे फूटे हुए नारायण रह रहे हैं और तुम आलिशान मकान में रह रहे हो, ठाकुर जी टूटे फूटे मंदिर में कुछ पैसा दे दो हम भगवान की मंदिर बनाएंगे। उसने कहा पैसा इसलिए कमाया, भगवान के लिए कमाया मैंने पैसा, पैसा मैंने भगवान के लिए कमाया ना, अपना भोग के लिए कमाया, भगवान भगवान सेवा सेवा में नहीं दूंगा। वो साधु को तो बड़ा बुरा लगा, देखो लक्ष्मी तो ठाकुर का है ना, अभी ठाकुर को सेवा के लिए लक्ष्मी देने के लिए तैयार नहीं। उसने क्या किया, उन्होंने 4 चेले बनाए और 4 चेलों को उन्होंने उन्होंने मंत्र 4 मंत्र सिखाया। एक चेले को तो मंत्र ऐसे सिखाया जिसका परछाई में वो खड़ा हो जाएगा ना वो आदमी हिल डोल नहीं सकता है। दूसरे जो चेला था उसको ऐसे उन्होंने सिखाया, ऐसे बाघ बाघ कला सिखाया, अगर वो किसको साथ में तर्क वितर्क कर तो अब छोड़कर जा नहीं सकते हो। एक चेले को, तीसरा चेले को सिखाया
भले ही जितने बड़े ताला लगा क्यों नहीं हो, वो मंत्र पढ़कर फूंक देना, ताला खुल जाएगा। और 14 चेलों को सिखाया ऐसे मंत्र जो पानी के ऊपर में चलते चलते चल जाएगा। 4 चेलों को उन्होंने 4 विद्या सिखाया। बोले जाओ वो राजा के पास में जा करके एक चेला तो उसको साथ में शास्त्रार्थ करे, हैं शास्त्रार्थ करे, तर्क वितर्क करे। जब वो भागने के लिए चाहेगा ना, एक व्यक्ति उसका परछाई खड़ा हो जाना, वो और वहां से भाग नहीं पाएगा। और तीसरा चेलों को सिखाया तू जा करके उसका जो जो तेजोरी है जिसमें सारे हीरे जवाहरात रखा हुआ पैसा, और फूं मार कर इसको खोल देना। चौथा चले को बोला तो सारे रुपया पैसा बांध करके बाप पानी के ऊपर चले जाना, और पानी के ऊपर तो कोई चल ही नहीं सकते। उन्हें 4 चले को सिखाया और उन्हें सारे पैसा वहां से लेकर के उन्होंने भगवान की ठाकुर जी का बड़े सुंदर उन्होंने रंगनाथ जी का जो मंदिर है उन्होंने भगवान की मंदिर बनाया। देखो यहाँ पर क्या लगता है, हमने पाप किया ना? बोले नहीं, ठाकुर को सेवा के लिए अगर कोई पाप भी करते हो, क्योंकि दुनिया उन्हीं क्या है, सब उनकी सेवा के लिए, वो धर्म है। लेकिन अगर कोई धर्म नाम पर कहीं अगर भगवान की सेवा अगर नहीं, धर्म है लेकिन भगवान का तो मत प्रभाव, तो मेरे प्रभाव से पुण्य भी हो पाप भी है, हैं? इसलिए यहाँ पर श्री वसुदेव महाराज ने हैं, उन्होंने वसुदेव महाराज प्रतिज्ञा करने पर भी प्रतिज्ञा को नहीं रखे, ठाकुर जी को रातारात कहाँ पहुंचा दिए, उन्होंने ठाकुर जी को उन्होंने सीधा उन्होंने गोकुल में पहुंचा दिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। तो यहाँ पर कह रहे हैं और एक अच्छी बात कह रहे, देखो सुनो, ये भी सुना जब टीका कह रहे, जब वसुदेव जब कंस ने इसको छोड़ दिया, वसुदेव महाराज की बात सुनकर छोड़ दिया। अभी वसुदेव महाराज ये भी तो कर सकते थे क्या? बोले नहीं, जब मेरे अष्टम गर्भ का कंस मेरे सारे बच्चों को मारेगा, बोल दिया तेरे को सब कुछ दूंगा, सबको मारेगा, फिर हम तो बच्चे जन्म क्यों दे, इससे तो अच्छा ही बच्चे जन्म ही नहीं दे। लेकिन उन्हें फिर बच्चे देते रहे, बच्चे जन्म, और कहते हैं कह रहे हैं बच्चे जैसे कहता है ना 2 साल में एक बार हो, 3 साल में बच्चे, उनने ऐसे नहीं किया, हर साल एक एक बच्चे को जन्म दिया, हर साल बच्चे। बोले क्यों ऐसे किया, हर साल एक बच्चे क्यों दिया? बोले कारण है, कहते उनको आकाशवाणी क्या हुई थी, अष्टम गर्भ में भगवान आएंगे और इसका ताल बंद करके आएंगे। इसलिए वसुदेव महाराज सोच रहे ये दुष्ट की जल्दी से जल्दी मृत्यु हो, ये जल्दी से जल्दी ये मरे, इसलिए उन्होंने बीच में गायब नहीं दिया, उन्होंने हर साल एक एक बच्चे को उन्होंने जन्म देते रहे, हाँ जन्म देते रहे। बोले जन्म तो दिया लेकिन वो एक एक बच्चों को मारते रहा अभी। एक आपको पता होगा, एक बच्चे को कोई माँ 9 महीना तक गर्भ में धारण करे और बच्चे को मार दे, कितना कष्ट माताओं को पता होगा, कितने कष्ट है कि बच्चे मरने पर भी। लेकिन क्या वसुदेव महाराज को कष्ट नहीं हुआ? 1 साल के बाद में एक बच्चा फिर उसको मार रहा है, पछाड़ पछाड़ कर मार रहा है, फिर उसका क्या कष्ट नहीं हुआ? कहते जो साधु है ना, भगवान की सेवा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, भले ही मेरे को पाप क्यों नहीं लगे, लेकिन अष्टम गर्भ में साक्षात भगवान कृष्ण तो मेरे बच्चे बन करके आएंगे। इसलिए ठाकुर जी जब बच्चे बन करके आएंगे, आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होगा, ठाकुर का दर्शन मुझे मिलेगा, ठाकुर जी का दर्शन मुझे मिलेगा। इसलिए कहते जो संत हैं वो ऐसे कौन सा काम जो संत कर ही नहीं सकते हैं, हैं? सब दुष्ट ऐसे जो दुष्ट होते हैं वो पाप के पाप काम कर सकते हैं, लेकिन जो संत होते हैं ना, जो असंभव काम को भी संभव रूप में कर सकते हैं। इसलिए वसुदेव महाराज हर साल में एक एक बच्चों को जन्म देते रहे, क्योंकि ठाकुर जी आए, और ठाकुर आने पर क्या होगा उसमें 2 कारण बता रहे हैं विश्वनाथ गुरु ठाकुर। पहला कारण है, जब उन्होंने पहला बच्चे को हैं कंस ने दे दिया, किसको? कंस को दिया, वसुदेव महाराज कंस को दिया। उसने जब देखा, उसने इतनी सत्यवादी, अपना बच्चे को लेकर कोई दे सकता है? भैया मार, तू दे सकते हो? कोई जोर जबरदस्ती आकर मार सकता है? लेकिन वसुदेव महाराज जैसे व्यक्ति अपना बच्चे को किसी दुष्ट को दे तो उसको मार दे, कर सकते है? नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने छाती के ऊपर पत्थर रख करके, हैं, क्योंकि अष्टम गर्भ में ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी का दर्शन होगा, इसलिए ये साधु व्यक्ति है, इसलिए एक बच्चे को उसने देते रहे। लो पहला संतान को तो उसने छोड़ दिया, लेकिन छोड़ दिया इतने में नारद जी ने देखा, भैया गड़बड़ी हो गया। क्यों गड़बड़ी हो गया? बोले भगवान कब आएंगे? जब पाप की घड़ा भरेगा, पाप होगा, पाप की घड़ा भरेगा तो भगवान आएंगे ना, नहीं तो भगवान नहीं आएंगे।
कि उसकी इसकी हृदय में दया की भाव संचार हो रहा है, दया की भाव संचार हो तो ठाकुर आने में लेट करेंगे हैं। इसलिए नारद जी क्या किया, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, क्यों कारण किया, ये कंस देवता के ऊपर भी अत्याचार कर रहा था, इसलिए देवता को संतुष्ट करने के लिए। और दूसरा बात है, ये जो छह जो संतान कौन थे, कभी ये षडगर्भा थे, ये ब्रह्मा का मानस पुत्र, ये मरीच थे, ब्रह्मा की ये मानस पुत्र मरीच थे। जब ब्रह्मा जी एक समय एक सुंदर लड़की को उन्होंने जन्म दिया, वो लड़की इतने सुंदर थी देखने में, ब्रह्मा अपना बेटी को पर आसक्त हो गए। जब आसक्त हो गए अपना बेटी को पीछे ब्रह्मा जी भागे, और ये जो छह मरीच थे इन्होंने देखा, देखो ये बूढ़े का, ये बूढ़े के देखो कैसे अपना बेटी को पीछे भाग रहे। इतने में उसका बेटी हिरण बन गई, ब्रह्मा जी हिरण बन गए। मतलब ये जो काम है ये कितना माया, कितना प्रबल दिखा रहे हैं, कितना प्रबल है माया। इसलिए शास्त्र में बताया, मात्रा शस्त्रा दुहितावा ना विविधता सन्न बसेत बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान चपे विकास। देखो इस श्लोक में क्या कहते हैं, कहते अपना माँ को साथ में भी एक आसन पर मत बैठा दो, माँ को साथ मतलब काम इतने तेज। शस्त्रा मतलब कहते अपना बहन है, अपना बहनी को साथ में भी एक आसन में मत बैठा करो। कहते अपना बेटी, कहते अपना बेटी को पास में भी एक आसन में मत बैठा करो। क्यों, ये जो इंद्रिय इतना तेज है, बलवान व्यक्तियों का बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है। ब्रह्मा का बुद्धि भ्रष्ट हो गया, शंकर का बुद्धि भ्रष्ट हो गया, नारद जी का, विश्वामित्र का, इंद्र का, किसको उन्होंने पागल नहीं बनाया कामदेव। इसलिए कहते साधु सावधान, साधु सावधान, इसलिए ये काम इतना बलवान। अब ये श्लोक को सुन करके व्यास देव का एक शिष्य था, उन्होंने अपना गुरु जी बोले, गुरु जी सब क्या लिखा, उल्टा पुल्टा लिख दिया, ये सब क्या उल्टा पुल्टा लिख दिया, अब क्या कह रहे हो, अपना माँ है, अपना बहन है, अपना बेटी, कहते उनको प्रति काम उत्पन्न हो जाता है। ये श्लोक में मेरा विश्वास नहीं, ये श्लोक में मेरे विश्वास नहीं, आप क्या बोल दिया। व्यास देव बोले ठीक है, टाइम ही आने पर मैं देखूंगा, टाइम ही आने पर मैं देखूंगा। एक समय क्या हुआ, उनका जो शिष्य है ना, हैं, इनका शिष्य एकदम पहाड़ के ऊपर बर्फ बर्फ में रह रहे थे, बर्फ चारों तरफ पे बर्फ पड़ा हुआ, उनका शिष्य वहीं पर अकेले घर में रह रहे थे। जब घर में रह रहे थे इतने में व्यास देव स्वयं एक लड़की बन करके व्यास देव स्वयं गए, और वहां पर बर्फ में उसका घर को सामने हैं, व्यास देव स्वयं लड़की बन करके गए, और एकदम पतला कपड़ा पहने हुए थे, सारा शरीर भीग रहा था, और बड़े जोर जोर से रोए व्यास देव, मर गया, मेरे को बचाओ, मैं मर रहा हूं, मेरे को बचाओ, कोई हो बचाओ। इतने में उनका जो शिष्य था बोले किसी लड़की की गला की आवाज आ रही है, तो उन्होंने दरवाजा को खोले, खोल करके देखा बड़ी सुंदर की लड़की चटपट गल रही है, हैं, और एक पतला कपड़ा पहने हुए शरीर भीगा हुआ, कोई कपड़ा जिसे पतला हुआ शरीर भीगा हुआ ना, ये शरीर में चिपक जाती है, और इधर से उधर पूरा शरीर दिख रहा था। उन्होंने उसका अवस्था देख करके कंडा जलाया, उसका शरीर को सकवाया करके उन्होंने बोले देखो बेटी तुम चली जाओ। इतने में वो जो बेटी ने हैं जब चली गई, इतने में जो उनका जो शिष्य था वो गए, जब भजन करने के लिए बैठे ना, एक बार देख लिया ना माया को, अब जब भजन करने के लिए बैठे और भजन में मन नहीं लग रहा, मन और भजन में लग नहीं रहा, बारंबार वो लड़की को याद, बारंबार ये लड़की को याद आ रहा। अभी वो धीरे 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 वो तो पागल हो गया, उसका मन नहीं लग रहा है। अभी इसने जा करके दरवाजा लड़की का खटखटाया, जब उन्हें दरवाजा खटखटाया खोल, लेकिन वो खोली नहीं है, वो खोली नहीं। जब नहीं खोली इतने में ये जो ये था ना, हाँ कहते यहाँ पर मेरा थोड़ा उल्टा हो गया, वो जो लड़की थी, वो लड़की है, वो व्यास देव ही वो लड़की बन करके आए थे व्यास देव। अभी वो लड़की वो घर में है, है? और वो जो उनका जो शिष्य वो बाहर है, उनका शिष्य बाहर है, वो इतने कामातुर हो गया, वो जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो लड़की खोली नहीं दरवाजा, जो खोली नहीं ना, फिर वो छत के ऊपर में गए, हैं? उसी से छत के ऊपर गया, छत को मार मार कर छत को उसने फोड़ा, फोड़ करके जब उसने छत के ऊपर से नीचे गिरा उसने, और वो लड़की को पास में गया ना, वो लड़की नहीं थी, वो व्यास देव थे,
इतने में व्यास देव अपना रूप में आए और एक लात मारे उसको उसको एक लात मारे। बोले मैंने जो श्लोक लिखा था गलत ना सही है। बोले गुरुदेव सही मतलब ये जो काम है इतने बलवान ये काम है, ये काम किसको छोड़ा ही नहीं, ये काम है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधा। फिर इसको बाद में क्या हुआ फिर सुनेंगे, अभी बाजा बज रहे आज तक। हाँ देखो आज जो एकादशी है ना, आज जो एकादशी, आज थोड़ा हम लोग का मीटिंग था इसलिए कथा में थोड़ा लेट हो गया। एक मीटिंग थी ये जगह को लेकर के मीटिंग थी, इसलिए हमारी थोड़ी लेट हो गई, लेकिन हम ठीक 5:30 बजे शुरू करेंगे। आज भी कुछ बच्चे लोग कुछ बोलने का था लेकिन आज समय ज़्यादा हो गया। देखो आज का जो एकादशी का नाम क्या जानते हो, उत्पन्ना एकादशी। आज का जो एकादशी, अभी मेरे को भी पता नहीं था, वहाँ पर बता रहे थे कि व्हाट्सएप में आया है। कभी कभी ये एकादशी द्वादश में केवल मिला हुआ आता है, एकादशी कभी केवल द्वादश में मिला हुआ होता है, लेकिन आज का जो एकादशी है कल एकादशी दशमी भी इसमें जुड़ा हुआ, एकादशी में जुड़ा हुआ और द्वादशी। जब कोई एकादशी द्वादशी को साथ में जुड़ जाए वो एकादशी का ज्यादा महत्व बढ़ जाती है। फिर अगर दशमी को साथ में बढ़ जाए तो और कल ये जो एकादशी आई ना, आज का एकादशी अगर किसने किया, बोले 40 साल एकादशी व्रत करने पर जो फल की प्राप्ति होगी, आज को जो एकादशी व्रत करेगा तो वो फल। इसलिए एकादशी का, आज एकादशी की इतने महत्व, 40 साल एकादशी का फल आज मिलेगा आज इतना। अब व्हाट्सएप खोल कर देखना एकादशी की महिमा आज है वहां पर। आज कुछ कुछ भक्त लोग आ रहे थे वो स्वयं बता रहे थे, बोले आज तक मैंने कभी एकादशी व्रत नहीं रखा, लेकिन आज एकादशी जो व्हाट्सएप पे सब कथा आई 40 साल व्रत का आज फल मिलेगा, कहते आज मैंने एकादशी व्रत रखे। इसलिए जो आज एकादशी व्रत रखे हो आप लोग बड़े भाग्यवान हो जो एकादशी आप लोगों ने व्रत रखे। बोले जी एकादशी की जय, जय श्री राम। अभी ठाकुर जी की आरती होगी, जाओ ठाकुर जी की आरती कर लो। कल सब बच्चे लोग सब बोलेंगे कल, ठीक है। बोले हरे कृष्ण। हाँ देखो इधर नियम है, एकादशी करने के बाद दूसरे दिन कितना, कल व्रत का टाइम खोलने का 10:30 को अंदर में ठाकुर जी को भोग लगा करके जो अन्न भोजन नहीं करते हैं उसको प्रसाद लेने पर तभी एकादशी का पूरा फल मिलता है। लेकिन देखो और तभी पूरा फल मिलेगा, नियम है कुछ भक्त लोगों को खिला करके व्रत खोलनी चाहिए। अब भक्तों को खिला नहीं सकते, इसलिए आप जो सीधा लाते हो ना, सीधा लाते हैं ना, जैसे उसमें दाल सब्जी थोड़ा और थोड़ा आटा थोड़ी नमक थोड़ा घी, इसलिए आप लोग कल सीधा मंदिर के लिए मंदिर में ले आना, ठीक है ना। संत लोगों को ठाकुर को कुछ दे करके जब व्रत खोलोगे इसकी पूरी फल तभी मिलता। जैसे अंबरीश महाराज ने व्रत रखा, इतने में से दुर्वासा जी आ गए, बोला आज और भाग्य संतों को भोजन करा के आज हम भोजन करेंगे, इसलिए तभी उन्होंने ये सब लीला हुई है, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोला है।